सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, जो कि चैप्टर 2 का एक सब टॉपिक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करें अपना उस टॉपिक के साथ. गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजिकल इंक्वायरी मतलब तुम लोग मेथड समझ के चलो, गोल्स. तो आखिर हमारे कोई भी रिसर्च के पीछे हमारा कोई गोल्स होता है, तो वो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं. कोई भी साइकोलॉजिस्ट जब अपनी इंक्वायरी, कोई भी रिसर्च, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो उसके पीछे उसके ये सारे गोल्स होते हैं. बहुत सारे गोल्स नहीं होते, यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन. पहले उसे अपने एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना पड़ता है, फिर उसे प्रेडिक्ट करना पड़ता है, फिर उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है, क्या वो है बिहेवियर, एंड फिर एप्लीकेशन करना पड़ता है उस नॉलेज को. यानी कि हम लोग पहले डिस्क्राइब करेंगे जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है, फिर हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर कंट्रोल एंड एप्लीकेशन. तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक ऑब्जेक्टिव मैनर में करने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव मैनर मतलब हम एकदम इस तरीके से करेंगे कि कोई भी हमारा, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट है टू नो अबाउट मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और कोई और भी मेरे साथ यही टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो मोर और लेस सेम आने वाला है. दैट इज़ व्हाट नोन एज ऑब्जेक्टिव मैनर. ठीक है, तो अब हम लोग को ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एकदम क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता है कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या होता है. तो हमारा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी ये सारे हैं, जिसको हम लोग एक बहुत ही आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक लाइन में डीपिका से हम लोग याद कर सकते हैं. डी फॉर डिस्क्रिप्शन, पी फॉर प्रेडिक्शन, ई फॉर एक्सप्लेनेशन, सी फॉर कंट्रोल एंड ए फॉर एप्लीकेशन. आराम से याद हो जाएगा डीपिका से. अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे जो यू नो गोल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं. मतलब आखिर ये गोल्स हैं क्या? डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, ये है क्या वो हम लोग समझेंगे. तो ये चार्ट बना लो अपने नोट्स में, बहुत हेल्पफुल रहेगा. देन वी आर मूविंग टू एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रेडिक्शन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एवरीथिंग. ओके, सो विल स्टार्ट विद डिस्क्रिप्शन. हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिरकार हमारा जो भी गोल्स है वो है क्या. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट विद डिस्क्रिप्शन. इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और अ फिनोमिनन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. दिस हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर्स. क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आया, अब मैं बताती हूँ. डिस्क्रिप्शन का मतलब तुम लोग जहाँ तक जानते हो वो होता है डिस्क्राइब करना, कोई भी चीज़ जो है उसे समझाना, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, राइट. तो यहाँ पे क्या करा हुआ है, तुम्हें कोई भी बिहेवियर, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है या साइकोलॉजी में हम लोग बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, हम तो उसके हिसाब से हमें अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी बिहेवियर के बारे में पढ़ना है उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली क्या है वो, और कैसे वो वाला जो हमारा बिहेवियर है जिसपे मैं स्टडी करने वाली हूँ वो दूसरे बिहेवियर से डिफरेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल एंजाइटी में पढ़ने वाली हूँ कि व्हाट इज़ एंजाइटी, एंजाइटी साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होती है. मतलब दूसरे लोगों के लिए एंजाइटी तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे हम जो एक एंजाइटी पढ़ने वाले हैं वो वाला एंजाइटी दूसरे एंजाइटीज या दूसरे डिप्रेशन एंड ऑल से कैसे डिफरेंट है, दैट आई हैव टू डिस्क्राइब हियर, दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल एक आसान सा एग्जाम्पल दें तो रिसर्चर मे बी इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स. लाइक चलो साइकोलॉजिस्ट बनते हुए हम लोग देखें तो हमें रिसर्च करना है क्या कि स्टडी हैबिट्स क्या है स्टूडेंट्स की. हमें स्टडी हैबिट्स को स्टडी करना होगा. स्टडी हैबिट्स ध्यान में रखना. अब नेक्स्ट देखा जाए तो स्टडी हैबिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो सकते हैं. मतलब स्टडी हैबिट्स सबके डिफरेंट होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग अटेंड करते हैं अपने सारे क्लासेस को रेगुलरली, वो हो जाएगा तुम्हारा पहला. देन हो जाएगा सबमिटिंग असेसमेंट ऑन टाइम. हम अपने सारे काम को अपने एकदम एग्जैक्ट टाइम पर सबमिट कर रहे हैं, वो भी एक स्टडी हैबिट में आ जाता है. एक हो जाता है हमारा स्टडी हैबिट्स में सबमिटिंग असेसमेंट ऑन टाइम. फिर प्लानिंग योर स्टडी स्केड्यूल कि मैं इतने बजे तक पढ़ूंगी, इतने बजे तक मेरे होमवर्क होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, ऐसे करके स्टडी स्केड्यूल बनाना. रिवाइजिंग ऑन योर डेली बेसिस और सारी चीज़ें जो भी मैंने याद की है उसे मैं डेली बेसिस पर रिवाइज करूंगी. तो दैट इज़ ऑल्सो स्टडी हैबिट. तो स्टडी हैबिट्स कितने सारे हो गए, है ना. तो साइकोलॉजिस्ट होते हुए मैं रिसर्च करूंगी तो मुझे पता होना चाहिए कि इन सारे स्टडी हैबिट्स में मैं पढ़ने क्या वाली हूँ इन डिटेल. यानी कि लेट्स सपोज मैं पढ़ना चाहती हूँ
सबमिटिंग असेसमेंट ऑन टाइम, तो ये वाला बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितना है कितना नहीं है, मतलब लेट्स सपोज कोई एक बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्टडी हैबिट्स मैंने चूज़ किया, तो स्टडी हैबिट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे चूज़ करनी पड़ेंगी, दैट इज़ द थिंग विच इज़ रिटन हियर. विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी देयर मे बी फर्दर मिनट डिस्क्रिप्शन. एक कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शंस देने पड़ते हैं. लेट्स सपोज मैंने एंजाइटी का एग्जांपल दिया, वहाँ पे मैं बताऊँगी कि मैं जो एंजाइटी पढ़ने वाली हूँ वो कैसे डिफरेंट है. कुछ एंजाइटीज़ होती हैं जो आपको पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे होती हैं, तो लेट्स सपोज मैं वो वाला एंजाइटी को पढ़ना चाहती हूँ, वो वाले कैटेगरी ऑफ एंजाइटी को पढ़ना चाहती हूँ, तो आई हैव टू डिस्क्राइब दैट पोर्शन दैट पार्ट दैट इज़ व्हाट नोन एज डिस्क्रिप्शन. द रिसर्चर नीड्स टू डिस्क्राइब हीज और हर मीनिंग ऑफ स्टडी हैबिट्स. उन्हें समझाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे स्टडी हैबिट्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मुझे यहाँ पे स्टडी हैबिट्स पढ़नी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखा तो स्टडी हैबिट्स कितनी सारी चीज़ होगी. पहला हो गया कि तुम्हें अपना होमवर्क रेगुलरली करना है, तुम स्कूल रोज़ जा रहे हो या फिर अपने टाइम टेबल बना रहे हो, तो इन सारे में से मैं कौन सा पढ़ने वाली हूँ एज अ रिसर्चर मुझे सिलेक्ट करना होगा. देन फिर हमें डिस्क्राइब करना होगा कि हम लोग कौन सी स्टडी हैबिट को चूज़ कर रहे हैं, उसे डिस्क्राइब करना होगा. लाइक सपोज मैंने बोला टाइम टेबल वाला, तो हम टाइम टेबल वाले को सिलेक्ट करके उसे डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा. द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर. अब आखिर ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मतलब मुझे पेपर पे लिखना होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे ना हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प्स इन इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करनी होगी, यानी कि नोट्स वगैरह बनाने होंगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, नॉट एक्सप्लेनेशन बट डिस्क्राइब. देन आता है हमारा प्रिडिक्शन, ये ध्यान में रखना है. डी से डिस्क्रिप्शन हो गया, पी से प्रेडिक्शन हो रहा है. तो प्रेडिक्शन क्या है? हमारा सेकेंड गोल है. ये लाइन नंबर वाइज हमें याद होना चाहिए. पहला होता है डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन अब क्या होता है? बेसिकली हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर एक्यूरेटली कि आखिर वो बिहेवियर होता क्या है. लाइक द सेकेंड गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली, यू कम टू know the relationship of a particular behavior with the other types of behaviors, events and phenomena. तो यहाँ पर होता क्या है कि किसी एक हम लोग बिहेवियर को डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो उसके बाद आते हैं प्रिडिक्शन पे. प्रिडिक्शन मतलब वो वाला बिहेवियर कैसे डिफरेंट है अदर बिहेवियर से, वो हम यहाँ पे एलेबोरेट करते हैं. अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली, उस बिहेवियर को हम लोग एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि उस एंजाइटी में हम लोग मतलब उस एंजाइटी को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, बस ऐसे सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे उसमें स्टडी करनी होगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, वो प्रिडिक्शन के अंदर आ जाता है. यू कैन देन फॉरकास्ट that understands certain conditions this particular behavior may occur within a certain margin of error. अब यहाँ पर हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं समझ जाऊँगी, अगर मैं उस एन्जाइटी को ध्यान से पढ़ूँ तो मैं समझ जाऊँगी यहाँ पर कि अब कौन सा बिहेवियर, मतलब अब कौन एन्जाइटी में आने वाला है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी पब्लिक स्पीकिंग में आता है तो हर कोई नहीं एन्जाइटी फेस करता है, राइट? बट यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो एन्जाइटी फील करेंगे, तो मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँगी कि हाँ ये पर्सन को पब्लिक स्पीकिंग में फियर है, दैट्स वाई ही और शी इज़ बींग फीलिंग एन्जाइटी लाइक दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, अब ये स्टडी का ही एग्जाम्पल ले, तो रिसर्च इज एबल टू इस्टेब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टडी का भी एग्जाम्पल लिया जाए, तो रिसर्चर जो है वो पॉजिटिव रिलेशंस बना पा रहे हैं ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम एंड अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यानी कि हम लोग स्टडी हैबिट्स में भी किसी एक को चूज़ करते हैं, जैसे कि टाइम टेबल, तो टाइम टेबल को मैनेज करते हुए वो स्टूडेंट्स जो है वो अपना सब्जेक्ट्स में अच्छे से टाइम अलॉट कर पा रहा है, एंड दैट इज़ प्रिडिक्शन. हम लोग बिहेवियर को समझते हैं और उसके बाद प्रिडिक्ट करते हैं कि आखिर ये कब हो रहा होता है, लाइक दैट. Later, if you come to know that a particular child devotes more time for study, you can predict that the child is likely to get good marks in examination. तुम्हें यहाँ पे behavior को study करना कि like for example, prediction. Prediction is all about not just describing but to understand that behavior. Like for example, कोई चीज़ हो रही होती है, like हम लोगों ने study habits choose की, तो study habits क्यों choose की? Study habits choose की क्योंकि लोग पढ़ते हैं फॉर डिफरेंट रीजन्स, राइट? लाइक स्टडी हैबिट्स के अंदर की बहुत सारी चीज़ें आती है, बट आखिर स्टूडेंट क्यों पढ़ता है? फर्स्ट रीज़न या तो उसे अचीवमेंट चाहिए,
सेकेंड रीज़न कैन बी मेकिंग पीपल फ्रेंड्स फैमिली हैप्पी लाइक दैट, वो भी रीज़न होता है, मतलब डिग्री रीज़न होती है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स या ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई करता है। तो पहले हम लोगों ने स्टडी हैबिट्स को चूज़ किया डिस्क्रिप्शन में, देन प्रेडिक्शन में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इस बिहेवियर के पीछे आखिर है क्या, यानी कि स्टडी हैबिट्स के पीछे आखिर क्या है, ये है क्या है, एग्जामिनेशंस में गुड मार्क्स लाना। प्रेडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व। तुम जितने लोगों के साथ ऑब्जर्वेशन का प्रक्रिया करोगे, यानी कि ऑब्जर्वेशंस करेंगे हम लोग, उतने अच्छे से हम किसी भी बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही लगे, लेकिन कुछ जगहों पर ऑब्जर्वेशन मेथड्स को यूज़ करना नेसेसरी होता है, जैसे कि इस कंडीशन में हुआ। I hope you have understood the meaning of description and prediction till here. Now we are moving to explanation. E ko dhyan mein rakhna. To ab ye teesra goal hota hai hamare psychological inquiry ka, to know the casual factor or determinants of the behavior. Yani ki aakhir ye casual factor matlab kis cheez ki wajah se ye cheez ho rahi hoti hai, like study ho rahi hoti hai, reason kya hai hum logon ne dekha hai prediction mein, lekin kya force karta hai hame wo study habit ko follow karne mein, wo hum log yahan pe dekhte hain, ye cheez hai. Psychologists are primarily interested in knowing the factors that make that behavior occur. Like anxiety bhi hai, to anxiety ho kis cheez ke liye rahi hoti hai. एंग्जाइटी के बारे में बात करें तो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्क्राइब किया उसे कि एंग्जाइटी हम लोग कौन से टाइप के एंग्जाइटी को पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट किया मतलब कौन से उसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मे बी कुछ लोगों को रीज़न होगा लाइक वो पब्लिक स्पीकिंग लोगों के सामने डरते होंगे बोलने से, या फिर वो सोचते होंगे कि लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल, वो भी हो सकता है, मतलब क्या है वो चीज़ें होती हैं। कैजुअल फैक्टर यहाँ पर बात करें, नो द casual factors or determinants of behavior, यानी कि कोई behavior के पीछे का जो main reason है जो उसे force कर रहा होता है वो यहाँ पे explanations में देखते हैं, like किस चीज़ की वजह से वो person ऐसा behave कर रहा है। Also what are the conditions under one which a particular behavior does not occur, किस लिए कोई और बिहेवियर नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल वॉट मेक्स सम चिल्ड्रन मोर अटेंटिव इन क्लास, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं क्लास में, या टाइम टेबल बना के स्टडी करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो आ जाता है इसी के अंदर। वेर एज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अटेंटिव नहीं भी होते हैं या अपनी स्टडी को लेकर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो भी यहाँ पर ही आते हैं क्या, एक्सप्लेनेशन के अंदर। दस दिस गोल इज़ कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग द डिटर्मिनेंट्स और attendance condition, that is condition that led to the particular behavior. तो basically explanation में और कहीं मत जाओ, explanation मतलब सिर्फ यही होता है कि हम explain कर पाएँ, यानी कि क्या casual factors हैं ये explain कर पाएँ, वो होता है हमारा explanation, यानी कि कौन से conditions के अंदर एक particular behavior हो रहा होता है, that is explanation. अब हम लोग move कर रहे हैं तो the next one, that is control. नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कोई चीज़ है इसमें जो हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन, अगर तुम यहाँ तक समझ गए कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं कोई भी बिहेवियर को, मतलब क्या रीज़न होता है कि कोई इंसान पढ़ रहा होता है या नहीं पढ़ रहा होता है, ये तुम समझ गए, तो तुम अच्छे से बता सकते हो कि बिहेवियर कब होता है, यानी कि कब कोई पर्सन स्टडी करता है। अगर हम लोगों ने एंग्जाइटी के बारे में अच्छे से समझ लिया तो हम लोग बता सकते हैं कि किसी इंसान को कब एंग्जाइटी हो सकती है कब नहीं हो सकती है, राइट दैट यू कैन कंट्रोल दैट बिहेवियर। अगर किसी चीज़ जैसे कि एंगर का भी एग्जांपल दें तो एंगर अगर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसे प्रेडिक्ट कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने एंगर को अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ यू आर एबल टू, अगर तुम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करो, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो तुम उसे कंट्रोल भी कर सकते हो बाय मेकिंग चेंजेस इन इट्स अटेंडेंट कंडीशंस। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में तीन चीज़ें आती हैं। पहला मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, एंगर का एग्जाम्पल लें तो मैं गुस्सा दे रही हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, मैं गुस्सा ला रही हूँ, दैट इज़ मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर। मैं अपने कोई बिहेवियर को ला रही हूँ, रिड्यूस करना, मैं अपने अंदर के गुस्से को कम करने का कोशिश कर रही हूँ, और एनहांस, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा तब आए जब मैं चाहूँ, ना कि लोग चाहें, लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अलाउ द नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू स्टडी टू बी द सेम, और यू कैन रिड्यूस देम, और दे मे बी एन इंक्रीज इन द स्टडी आवर्स। अब स्टडी का एग्जाम्पल ने जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही लिया हुआ था, तो
हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ कंट्रोल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, क्या रीजंस होते हैं, कब होते हैं स्टडीज़ एंड ऑल, वो सब समझने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी को टाइम दे सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग अपने स्टडी के टाइम को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो या अगर हम चाहें तो अपने स्टडी टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम अपने टाइम को अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शॉपिंग जाना है तो मुझे अपने टाइम को मैनेज करना होगा, तो इजीली हम लोग वो भी कर सकते हैं। द चेंज ब्रॉट अबाउट इन बिहेवियर बाई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ थेरेपी इन पर्सन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी की हेल्प से लोगों के कोई कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, कोई भी पर्सन ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा होता है तो साइकोलॉजिकल जो हमारी ट्रीटमेंट होते हैं उसके थ्रू हम लोग पर्सन को अंडरस्टैंड करते हैं, उससे क्या करते हैं, उसे वो चीज़ करने से रोकते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं उसे, लाइक दैट ये हमारे कंट्रोल में आता है। तो बेसिकली कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल रिफर्स टू थ्री थिंग्स, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूसिंग इट और इन्हांसिंग इट। ठीक है, बहुत ईजी था, समझ में आ गया। नाउ एप्लीकेशन, द फाइनल गोल ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी इज टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन लाइफ्स ऑफ पीपल। अब तुम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम लोगों ने समझ लिया बिहेवियर को इतने लास्ट तक, मतलब लास्ट तक इन द सेंस हम लोगों ने समझ लिया किसी बिहेवियर को, अब हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। लाइक एंगर का एग्जाम्पल लिया, स्टडी का एग्जाम्पल लिया, अब हम लोग अपनी स्टडीज के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर एंगजाइटी की बात करिए, एंगर की बात करिए, तो उसे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन की बात करें तो द फाइनल गोल ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी, अब हमारे जो फाइनल गोल होता है, हम लोगों ने रिसर्च परफॉर्म कर ली होती है, मतलब कर ली होती है इन द सेंस समझ ली होती है कि हमें किस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ओवरऑल देखें तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लिया है, बिकॉज हम लोगों ने किसी बिहेवियर को समझ लिया है। अब बिहेवियर को समझने के बाद फाइनल गोल क्या होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर हम पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं लाइव्स ऑफ पीपल में। लाइक फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स। लाइक जैसे कि ड्रग्स का एग्जाम्पल मैंने लास्ट में दिया, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने किसी पर्सन को सेव करने का प्रयास किया ट्रीटमेंट देने के बाद। सो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के थ्रू, हम लोग अपने एफर्ट्स मेक करते हैं सो दैट क्वालिटी ऑफ पीपल जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल जो है वो एनहांस हो सके। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ योगा, ये भी हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से ही है, मतलब की वजह से हो पाया है कि हम लोग योगा का मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस कर पाए हैं इन द मोर लाइव्स ऑफ मोर एंड मोर पीपल, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिड्यूस हो सकता है स्ट्रेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो साइंटिफिक इंक्वायरी इज ऑल्सो कंडक्टेड टू डेवलप न्यू थ्योरीज कंस्ट्रक्ट्स विच लीड्स टू फर्दर रिसर्च। तो इस साइंटिफिक इंक्वायरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यू थ्योरीज को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे, हाँ तो यहाँ तक आई होप सब चीज़ें क्लियर हैं। वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, हम लोगों ने समझ लिया फाइनली कि हमारे जो भी गोल्स हैं वो हैं क्या। एक बार रिकॉल किया जाए तो हम लोगों ने कौन कौन से गोल्स को पढ़ा है, तो इट इज़ दिस ऑल, वन इज डिस्क्रिप्शन जिसमें हम लोग कोई भी बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सेकेंड होता है प्रेडिक्शन, जहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन मतलब अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके पीछे, मतलब क्या चीज़ें होंगी जो इस बिहेवियर को करने दे रही होंगी। ठीक है, देन होता है हमारा एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कॉजल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बिहेवियर हो रहा होता है। लाइक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी मे बी रीजन्स हो सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गुड मार्क्स चाहिए अपने एग्जाम्स में, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया कोई भी बिहेवियर का। ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर सिर्फ स्टडिंग हो, बहुत सारे अदर बिहेवियर्स हो सकते हैं।
पर यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल देखा। देन होता है हमारा कंट्रोल, जहाँ पे हम किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रोल इन द सेंस हम लोग को पता चल गया कि हम लोग स्टडी क्यों करते हैं ओवरऑल, तो हमें पता चल गया है तो अब हम लोग स्टडी के चाहे टाइम तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल के अंदर। एप्लीकेशन में हम लोग उस एप्लीकेशन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, चीज़ें पर रिसर्च कर रहा होता है, तो फाइनल उसका गोल होता है अप्लाई करना। लाइक फॉर एग्जांपल सोसाइटी के वेलफेयर में हम लोग इससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे थेरेपीज दे सकते हैं, थेरेपीज या फिर यू कहो कि लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखा हम लोगों ने यहाँ पे योगा एक्सरसाइज हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन स्ट्रेस में है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं आप योगा करिए, आप स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, सो आप ये करिए तो आपको बेटर फील होगा। तो दैट इज़ वॉट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं कोई भी नॉलेज को टू हेल्प द पीपल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विच इज़ देयर इन आवर गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इसे याद करने का ट्रिक हम लोगों ने देखा था एंड ओवरऑल हम लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।